नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं भिंडी का चटपटे पकोड़ा बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, मसालेदार भिंडी का चटपटे कुरकुरे पकोड़े। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 250 ग्राम भिंडी ली हूँ, उसके बढ़िया से दो पानी में धो लिए हैं और धो के कपड़ा से पोंछ के पानी सुखा दिए हैं। अब इसको काट लेते हैं। ये डंठल को पहले काट के हटा देंगे और बीच से चीरा लगा देंगे। ऐसे चीरा लगाएंगे दोनों तरफ से, एक भिंडी को चार बना देंगे। ऐसे ही सब भिंडी को काट लेते हैं। सब भिंडी को ऐसे ही चीरा लगा देंगे। इस तरह सारी भिंडी को काट लेती हूँ, फिर आपको दिखाएंगे। इस तरह सारे भिंडी को काट ली हूँ, डंठल हटा दिए हैं और ये चीरा लगा के काट दिए हैं इसको। अब इसमें चलिए मसाला सब मिलाते हैं। देखिए, अब इसमें मसाला डालते हैं। क्या क्या लगेगा? 2 चम्मच चावल का आटा डालूँगी। आपको हो तो बेसन भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। छोटा 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च लाल पाउडर डालेंगे। अब दोस्तों ये देखिए, सबको मिला देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसमें से अपने पानी हल्का छूटेगी, फिर इसको फ्राई करेंगे। अब ये 10 मिनट के लिए ढक कर छोड़ देती हूँ। ये देखिए, 10 मिनट हो गए हैं हमारा भिंडी के ढके हुए। अब ये देखिए, अपने पानी छोड़ा है नमक पर। अब ये मिक्स कर देंगे बढ़िया से। बढ़िया से मिक्स हो गए हैं। इधर पैन चढ़ा दी हूँ चूल्हे पर, गरम हो गए हैं पैन हमारा। अब इसमें सरसों का तेल डालेंगे। दोस्तों आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन सरसों ऑयल में अच्छा बनती है, ये टेस्टी लगती है खाने में। ये देखिए, तेल गरम हो गया है, इसमें भिंडी डालेंगे। तेल बढ़िया से गरम करना होता है, आप लोग भी बढ़िया से तेल गरम कर लेंगे और फिर लॉक को मीडियम कर देंगे। ज़्यादा हाई लॉक पे नहीं बनती है। देखिए, बहुत चटपटे बनते हैं भिंडी का पकौड़ा। एक बार आप लोग भी इस तरीका से ट्राई कीजिए और कमेंट में बताएंगे कैसे लगे ये हमारे तरीका। ये देखिए, एक तरफ पक गए हैं। अब इसको उल्टा देंगे। बढ़िया से उल्टा देंगे सारे को और दोनों तरफ पकाएंगे बढ़िया से। जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो तब तक पकाएंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से पक गए हैं। अब इसको निकाल लेंगे, एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं ये पकौड़ा खाने में। ये चटपटे भिंडी का मसालेदार क्रिस्पी कुरकुरा जैसे हो गए हैं ये, एकदम चटपटे मसालेदार भिंडी के पकौड़ा बन गए हैं। बाकी बचे हुए भिंडी को ऐसे ही सारे को फ्राई कर लेंगे। देखिए, एक तरफ से पक गए हैं। अब इसको हम पलटा लेंगे। दोनों साइड से कुरकुरे
धोने देंगे। अब ये देखिए कुरकुरे हो रहे हैं, ये देखिए दोनों तरफ से फ्राई हो गए हैं। अब ये निकाल लेंगे इसको, फिर और जो भिंडी बचे हैं वो डालेंगे। इसी तरीके से सारे भिंडी को बना लेंगे। ये देखिए भिंडी का पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं, दोनों तरफ से फ्राई किए हैं बढ़िया से, चटपटे कुरकुरे भिंडी का फ्राई बन गए हैं। आप चाहे तो दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नहीं तो चाय के साथ नाश्ता कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगेंगे ये कुरकुरे चटपटी भिंडी का पकौड़ा। एक बार दोस्तों आप लोग ट्राई करके देखिए और फिर कमेंट में बताइए कैसे लगे भिंडी का पकौड़ा। दोस्तों नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में नए रेसिपी के साथ।